हद हो गई नुसरत मियां, अरे मेरी नाक के नीचे से कौन ले गया? मैं नहीं बख्शने वाली, मैं कह रही हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं। भाभी जी आप परेशान ना हो, सब मिलके तलाश करते हैं, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाना है? अरे कोई सुई है जो यहीं कहीं हो गई? ऐसे कैसे ओझल हो सकती है? देख शकुरन, मैं बता रही हूँ तुझे, तूने लिया है तो बता दे वरना। सुन ले लिया, वो बैठक में जब सुनार आया था ना, अब सब डिब्बे चादर में लपेट के लाई थी, खुद ही वापस ले गई थी। आप नुसरत मियां ये तो मानेगी नहीं, तुम पुलिस बुलवाओ, पुलिस बुलवाओ, ये कोई मामूली बात नहीं है, पुलिस बुलवाओ मैं कह रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मेरा मतलब है कि आज वलीमा है हमारे भोले का, और आज ये हवेली में पुलिस। अरे यही तो कह रही हूँ मैं कि आज भोले का वलीमा है, ये कौन कब वक्त है जो मेरी खुशियों का नजर लगा रहा है? देख मैं बता रही हूँ, अगर तूने लिया है तो बता दे, ऐसी चमड़ी उधड़वाऊंगी कि याद करेगी तू। मैंने देखे तक नहीं आपा जी, मैंने देखा हो तो मेरे दीदे फूट जाए। अरे आंखें तो फोड़ेगा संतरी आके तेरी, तेरी आंतों से निकलवाऊंगी, याद रखियो। नुसरत मियां मुझे नहीं पता, पुलिस बुलवाओ, मैं नहीं मानूंगी, मेरा दिल हौल रहा है, मेरे अब्बा की निशानी थी, भोले के पैदा होने से पहले दी थी उन्होंने मुझे। जी बेटा, कि तुम क्या कर रही हो रिजवाना? मैं कुछ नहीं, रात की तकरीब के लिए कपड़े निकाल रही थी मैं। और क्या निकाल रही थी तुम? और क्या रिजवाना, के भाभी जी का कोई बंद है ना, अब कहीं और छुपाने का इरादा था तुम्हारा। अगर तू भोले